हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जो लोग भी मेरे चैनल में न्यू हैं उनके लिए मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है आकांक्षा, मैं यूरोप में एक छोटी सी कंट्री क्रोएशिया की कैपिटल सिटी जागरेब में रहती हूँ। वीडियो के टाइटल से तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। रिसेंटली में मैंने एक फैमिली रियूनिफिकेशन वीज़ा का वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने बहुत बार आप लोगों से डिस्कस किया था कि डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल्ड होने चाहिए, आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो कि इंग्लिश में नहीं है उनका सर्टिफाइड ट्रांसलेशन करा लेना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों की मेरे पास क्वेरीज आ रही थी कि मैडम ये बताइए, अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टाइल कराना होता है और ये अपोस्टाइल क्यों कराना होता है, प्लस कई सारे लोग पूछ रहे थे सर्टिफाइड ट्रांसलेशन क्या होता है। तो सर्टिफाइड ट्रांसलेशन क्या होता है और क्यों ज़रूरी होता है, आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी कि मैडम ये डॉक्यूमेंट्स को हम अपोस्टाइल कहाँ से कराएं या फिर डॉक्यूमेंट का सर्टिफाइड ट्रांसलेशन कहाँ से कराएं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बड़े ही आसानी से बिना कहीं गए हुए आप अपने डॉक्यूमेंट को अपोस्टाइल और सर्टिफाइड ट्रांसलेशन कहाँ से करा सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। बिना देरी करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो। चलिए शुरुआत करते हैं अपोस्टाइल से। तो हमें अपने डॉक्यूमेंट को अपोस्टाइल कराना कब जरूरी होता है? तो जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे होते हैं, चाहे वो हम स्टडी के लिए जा रहे हों, चाहे हम वर्क के लिए जा रहे हों, या फिर हम किसी और पर्पस के लिए जा रहे हों, तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हो गए, पर्सनल डॉक्यूमेंट हो गए या कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट्स हो गए, उन्हें हमें अपोस्टाइल कराना होता है। अपोस्टाइल अटेस्टेशन रिक्वायर्ड होता है। अब अपोस्टाइल क्या होता है? अपोस्टाइल बेसिकली एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से। आपके डॉक्यूमेंट के साथ वो सर्टिफिकेट अटैच हो जाता है और साथ में स्टैंप लग जाता है, लाइक कि जैसे कि आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ना, तो डॉक्यूमेंट के पीछे ना आपके सर्टिफिकेट अटैच हो जाएगा और उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की सील लग जाएगी और ये आपके डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी को प्रूफ करता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करती है और उसमें एक सर्टिफिकेट अटैच करती है, उसमें अपना स्टैंप लगाती है जो कि आपके डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी को प्रूफ करता है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट को अपोस्टाइल कराना होता है? उसमें से पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में आता है मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, डाइवोर्स सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, एडॉप्शन डीड, मेडिकल सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में होंगे आपके डिग्री सर्टिफिकेट्स, आपके ट्रांसफर सर्टिफिकेट्स, आपके ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट्स, आपकी मार्कशीट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट्स हो गए, इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट्स अगर आप इंजीनियरिंग करके आ रहे हैं, डिप्लोमा सर्टिफिकेट और आपकी डिग्रीज, ये सारी चीज़ें होंगे जिन्हें आपको अपोस्टाइल कराना होता है। कि मैंने अपने वीडियोज़ में कई बार बताया है कि अगर आप स्पाउस वीज़ा में, मतलब डिपेंडेंट वीज़ा में यहाँ पर आ रहे हैं, तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट को अपोस्टाइल कराना बहुत ज़रूरी है, ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट को जो आपका ओरिजिनल होगा। और साथ में अगर आप अपने बच्चे को लेकर आ रहे हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट को अपोस्टाइल कराना बहुत ज़रूरी है, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट। सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल अपोस्टाइल होते हैं, कोई फोटोकॉपी को अपोस्टाइल नहीं करता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके अपोस्टाइल होते हैं। तो जब क्रोएशिया अपने स्पाउस के पास आ रहे होते हैं डिपेंडेंट वीज़ा में, तो आपको अपने मैरिज सर्टिफिकेट को अपोस्टाइल कराना होता है अपने मैरिज को प्रूफ करने के लिए, और प्लस अगर आप अपने बच्चे के साथ आ रहे हैं तो आपको अपने बेटे का या बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट को अपोस्टाइल कराना होता है। तो ये तो हो गया अपोस्टाइल के बारे में बात। अब आते हैं हम सर्टिफाइड ट्रांसलेशन के लिए। तो सर्टिफाइड ट्रांसलेशन क्या होता है और वो क्यों ज़रूरी होता है? तो अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट रीजनल लैंग्वेज में है या फिर हिंदी लैंग्वेज में है और आप किसी फॉरेन कंट्री में जाने वाले हैं, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट को इंग्लिश में सर्टिफाइड ट्रांसलेशन करा लेना चाहिए। जैसे कि अगर सपोज किसी का मैरिज सर्टिफिकेट वो हिंदी लैंग्वेज में है या फिर उनकी रीजनल लैंग्वेज में है, आधा हिंदी या आधा इंग्लिश या आधा रीजनल लैंग्वेज आधा इंग्लिश में है, मतलब मिक्स्ड लैंग्वेज में है, तो आपको उसको सर्टिफाइड ट्रांसलेशन करा लेना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट का भी सेम है, अगर बर्थ सर्टिफिकेट भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है या रीजनल लैंग्वेज और इंग्लिश दोनों में है, तो उसका भी आपको सर्टिफाइड ट्रांसलेशन करा लेना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में। अब सर्टिफाइड ट्रांसलेशन होता क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है? ट्रांसलेट तो कोई भी कर सकता है? नहीं, सर्टिफाइड ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट किया जा रहा होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि लिखा कुछ है और आपने उसको ट्रांसलेट अपनी लैंग्वेज में कर दिया, नहीं, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होता है डॉक्यूमेंट का। और जो ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट होता है उसके साथ आपको मिलता है एक सर्टिफिकेट जिसमें स्टेटमेंट होती है कि जो डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट हुआ है वो एक्यूरेट है, और उसमें ट्रांसलेटर के सिग्नेचर होते हैं और स्टैम्प होता है।
तो आई गेस आप सर्टिफाइड ट्रांसलेशन समझ गए होंगे, जिसमें कि आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन मिलता है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का, और ट्रांसलेशन का जो डॉक्यूमेंट होता है, जो ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट होता है ना, उसके साथ आपको अटैच्ड एक सर्टिफिकेट में मिलता है जिसमें स्टेटमेंट होती है कि आपका डॉक्यूमेंट एक्यूरेटली ट्रांसलेट किया गया है वर्ड टू वर्ड विद सिग्नेचर एंड स्टैम्प। तो अब ये तो पता चल गया कि अपोस्टाइल क्या होता है, किस डॉक्यूमेंट को अपोस्टाइल कराना होता है, सर्टिफाइड ट्रांसलेशन क्या होता है, किन डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करा लेना चाहिए, जरूरी होता है सर्टिफाइड ट्रांसलेशन कराना। बट अब प्रॉब्लम ये है कि इनको कराएं कहाँ से। कई सारे लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं, मैम किसी ट्रांसलेटर का नंबर दे दीजिए कि कहाँ से अपोस्टाइल कराएं, आप बता दीजिए। तो आज की वीडियो में मैं वही बताने वाली हूँ, और ये सबसे ईजी तरीका होगा, आपको कहीं भी नहीं जाना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक एजेंसी की डिटेल देने वाली हूँ, जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप उनको कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट का पिकअप आपके घर से करेंगे, और डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल या फिर ट्रांसलेट कराने के बाद डिलीवरी भी आपके घर में करेंगे। मतलब आपको अपने घर से कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, और उनकी सर्विसेज ऑल ओवर द इंडिया है। लाइक ऐसा नहीं है कि दिल्ली में या फिर मुंबई में या फिर बड़ी मेट्रो सिटीज़ में ही बस हैं, इनकी सर्विसेज हर जगह मिल जाएंगी आपको, जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ पर। और इनकी जो पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस है बिल्कुल फ्री है, बस आपको जो चार्जेस हैं लाइक ट्रांसलेशन के और अपोस्टाइल के, वो तो ऑफकोर्स पे ही करने होंगे। तो ये बहुत ही आसान और इजी तरीका है अपने डॉक्यूमेंट को अपोस्टाइल और सर्टिफाइड ट्रांसलेशन कराने का, क्योंकि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट हो जाएंगे और अपोस्टाइल हो जाएंगे। तो यहाँ पर PCC Private Limited की वेबसाइट मैं आप सबके सामने शो कर रही हूँ, और इसकी लिंक, इस वेबसाइट की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट को अपोस्टाइल, अटेस्टेशन या फिर अपने डॉक्यूमेंट का ट्रांसलेशन बड़े ही आराम से करा सकते हैं, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट देने नहीं जाना पड़ेगा, इनकी पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज बिल्कुल फ्री हैं। यहाँ पर बहुत सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं, आप वेबसाइट में जाके देख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली वेबसाइट में इंक्वायर भी कर सकते हैं। लिंक इस वेबसाइट की मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो फटाफट से जाइए और चेक करिए। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट को अपोस्टाइल या अटेस्टेशन कराना है, तो मुझे लगता है इससे बेटर कोई भी तरीका नहीं हो सकता है कि कोई घर से आए और आपके डॉक्यूमेंट को लेकर जाए और घर पर ही ड्रॉप करके जाए आपके डॉक्यूमेंट को। तो जिनको भी ये प्रॉब्लम थी कि कहां से अटेस्ट कराएं, कहां से ट्रांसलेट कराएं, तो उन सभी की प्रॉब्लम सब सॉल्व हो गई हैं। इनकी सर्विसेज ऑल ओवर द इंडिया अवेलेबल है, आप कहीं भी रह रहे हों जस्ट आप इनको कॉन्टैक्ट कीजिए, आपके घर से ही डॉक्यूमेंट को पिक करेंगे और आपके घर में ही डॉक्यूमेंट को डिलीवर करेंगे। तो बिल्कुल आसान हो गया है अब, और ये 90 कंट्रीज में इनकी सर्विसेज अवेलेबल हैं, और 5240 हैप्पी कस्टमर्स हैं, आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल जाइए फटाफट से इस वेबसाइट को चेक कीजिए और अपना काम बड़े ही आसानी से करवाइए। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, इन्फॉर्मेशनल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।